49 दिन हो गए यहां पे बैठे हुए ओए इतना सारी उम्र बैठे रहांगे भाई तू चिंता असि डटे हुए हैं देखो जेड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है ओदी ये विधि है कि शांति पूर्वक प्रदर्शन करना है वो जिन्ना मर्जी लंबा हो जाए कोई प्रॉब्लम शांति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन देखता है कोई फैसले दा लोकां दे हितां च फैसले होया करदे कि लोकां दे हितां दे खिलाफ होया करदे वो तो उन्हां दे वकील ने गल करी है कि साडे को वकीलां दी कमी है साडा वकील साडी गल करूगा अज फैसला किताबां ने करना है अज लोहड़ी का पावन पर्व है मान साहब क्या संदेश पूरी देश की जनता को देना चाहोगे असी कहने हैं भी कोई ऐसा कानून ना बने जिदे नाल कोई भी बंदा दुखी होवे पुराने जमाने च कई राजें दे तुसी गुण गाउंदे हो जिदे शेरे पंजाब दा जिक्र करदे हो या एक हरिश्चंद्र साहब दा जिक्र हुंदा है कि उन्हां दे राजकाल च कोई प्रजा बंदा दुखी नहीं सी हुंदा इत्थे लखां ही दुखी है ऐदां होना नहीं चाहिदा मन साहब 26 जनवरी को दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं देखो ये यूनियन दा फैसला है वो साडे नुमाइंदे चुने हुए हैं वो 32 जथेबंदियां वो डिसाइड करनगियां वो सारा तय करनगियां अजे एडी छेती उन्होंने अजे उन्होंने प्रॉपर अनाउंस नहीं करया वो एक नोट बना के प्रेस रिलीज करनगे फिर उदो बाद देखा जाऊगा अज दे जो हालात आ तुहाडे गाणियां दे विच अक्सर ये पहला तो बयान किया गया की कहना चाहते इस बारे दूरदर्शी होना चाहिए हर इंसान नूं उत्थों जिसे तुसी जिवें पत्रकार हो तुहानूं वक्त तो पहला ये तो हुण इस अंदोलन च तुसी आ गए सारे ये चंगी गल है पर थोनू जिहड़ियां अगाहों भविख च पंजाब दीआं चिंतावां आ या थोनू सरकारी त्रुटियां लगदियां थोनू हुण लिखना चाहिए उहदे बारे तां कि वह वक्त ते वह गल ही ना होवे मान साहब आज जो लो थे जो कानून बनाए गए उनकी प्रतिलिपियां भी आपने जलाई है किस तरह से अब आगे की रणनीति है आपकी बातचीत हुई नहीं मेरी नहीं कोई रणनीति मैं तो एक छोटा जा बंदा किसान है ये जथेबंदियों की नीति जथेबंदियों की रणनीति नहीं है थोनू किवें दस दिए पहले है पढ़ते जाता वो मौके से पता लग जाए धक्का पैना जिस तरह से आप यहाँ पहुंचे हो किसानों को क्या कहना चाहोगे मैं इतने ही फिरी जाना कई बार मैं रात को आ जाना मुंह ढक के इतने ही खीर खाता फिरी जाना मैं कितने नहीं जाता चिंता ना करता मेनू जे ड्यूटी लाने फिर मेरा फर्ज बनता है जे मेनू कह नहीं तू पिछले पास ट्रैक्टर फिर मैं पिछले चल जाऊंगा नहीं नहीं असि नौजवान जिन्हें भी है सारे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि कई बार नौजवानी जोश हों आप कई बार कुछ स्टैप इदा चक लेना जिद ना असं बदनाम हो जाएंगे साड़ी 6-3 महीनों की साड़ी मेहनत खत्म हो जूगी नहीं असं इदा का कोई काम नहीं करना बजुर्ग साढ़े लीड करे और रवायत असी पा देनी है भविख च भी यह होगा नहीं कि नौ साढ़े जिहड़े जिन्होंने 40-40 साल जिंदगी गाड़ती उन्होंने हक बनता है उही मूहरे रहेंगे उन्होंने फैसला है और सिर मत्थे है हर बंदे ओ भाई जी हो जाओ साइड दे यार की करिए ने तुसी चलो 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 हो जाओ परे नु मारे पिछे न सारी उम्र बैठे रहांगे भाई तू चिंता असि डटे हुए हैं देखो जेड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है ओदी ये विधि है कि शांति पूर्वक प्रदर्शन करना है वो जिन्ना मर्जी लंबा हो जाए कोई प्रॉब्लम शांति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन देखता है कोई फैसले दा लोकां दे हितां च फैसले होया करदे कि लोकां दे हितां दे खिलाफ होया करदे वो तो उन्होंने वकील ने गल करी है कि साडे को वकीलां दी कमी है साडा वकील साडी गल करूगा अज फैसला किताबां ने करना है अज लोहड़ी का पावन पर्व है मान साहब क्या संदेश पूरी देश की जनता को देना चाहोगे असी कहने हैं भी कोई ऐसा कानून ना बने जिदे नाल कोई भी बंदा दुखी होवे पुराने जमाने च कई राजें दे तुसी गुण गाउंदे हो जिदे शेरे पंजाब दा जिक्र करदे हो या एक हरिश्चंद्र साहब दा जिक्र हुंदा है कि उन्हां दे राजकाल च कोई प्रजा बंदा दुखी नहीं सी हुंदा इत्थे लखां ही दुखी है ऐदां होना नहीं चाहिए मान साहब 26 जनवरी को दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं देखो ये यूनियन दा फैसला है
वो साडे नुमाइंदे चुने हुए हैं और 32 जथेबंदियां वो डिसाइड करनी है वो सारा तय करनी है। अजे एडी छेती उन्होंने अजे उन्होंने प्रॉपर अनाउंस नहीं करया, वो एक नोट बना के प्रेस रिलीज करनगे फिर उस बाद देखा जाऊगा। अज्ज दे जो हालात है तुहाडे गाणियां दे विच अक्सर ये पहला तो बयान किया गया की कहना चाहते हैं? दूरदर्शी होना चाहिए हर इंसान को, जिसे तुम जिमें पत्रकार हो थानू वक्त तो पहला ये तो हूँ इस अंदोलन तुम आ गए सारे ये चंगी गल है, पर थानू जिहड़ियां अगाऊं भविख च पंजाब दीआं चिंतावां है या थानू सरकारी त्रुटियां लगदियां थानू हुण लिखना चाहिए वो बारे ताकि वो वक्त ते वो गल ही ना होवे। मान साहब आज जो लॉ थे जो कानून बनाए गए उनकी प्रतिलिपियां भी आपने जलाई है, किस तरह से अब आगे की रणनीति है आपकी बातचीत हुई? नहीं मेरी नहीं कोई रणनीति, मैं तो एक छोटा जहा बंदा किसान है, ये जथेबंदियों की नीति जथेबंदियों की रणनीति नहीं है थोनू किवें दस दिए पहले है पढ़ते वो मौके से पता लग जाए धक्का पैना। जिस तरह से आप यहाँ पहुंचे किसानों को क्या कहना चाहोगे? मैं इतने ही फिरी जाना, कई बार मैं रात को आ जाना मुंह ढक के इतने खीर खाता फिरी जाना, मैं कितने नहीं जाता चिंता ना करो। मेनू जे ड्यूटी लाने फिर मेरा फर्ज बनता है, जे मेनू कहे नहीं तू पिछले पास ट्रैक्टर दे फिर मैं पिछे चल जाऊंगा। नहीं नहीं असी नौजवान जिन्ने भी है सारे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि कई बार नौजवानी जोश हों कई बार कुछ स्टैप इदा चक लेना जिद ना अं बदनाम हो जाएंगे, साड़ी 6-3 महीनों की साड़ी मेहनत खत्म हो जूगी। नहीं असी इदा का कोई काम नहीं करना, बजुर्ग साढ़े लीड करे और रवायत असी पा देनी है, भविख च भी यह होगा नहीं कि नौ साढ़े जिहड़े जिन्होंने 40-40 साल जिंदगी गाड़ती उन्होंने हक बनता है उही मूहरे रहेंगे, उन्होंने फैसला है और सिर मत्थे है हर बंदे नू। इन्हों जो है राष्ट्रपति को प्रवानगी होकर कानून बनाया जाता है
अज उ कानून जड़े ने इतने साड़े जा रहे हैं, उही कानून दापियां साड़िया जा रही ने। इनकलाबी इतने नारे लग रहे हैं, इनकलाबी नारे लाए जा रहे हैं, खेती कानून दियां कापियां साड़िया जा रही ने। कहा जा रहा है कि यह रोस होर दिखा होगा, आने वाले दिनों के रोस होर दिखा होगा। यह ना समझा जा रहा है कि जे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो असी रुक जावे, असी फल जावे। ये रोज़ का तो बहुत ही फालतू है।